देखिए यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद यहाँ पर आपने देखना है डी आई एस के डिस्क पी ए आर टी डिस्क पार्ट डी आई एस के डिस्क पी ए आर टी डिस्क पार्ट लिखें। पार्ट लिखने के बाद एंटर करें। उसके बाद आपने देखना है एल आई एस टी लिस्ट डी आई एस के स्पेस लिस्ट स्पेस डिस्क लिखने के बाद एंटर करें। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने दो ड्राइव्स आ जाएंगे। मेरे सामने एक मेरी 29 GB की यहाँ पे डिस्क वन पर ये USB है और 238 GB पर हार्ड डिस्क है। ठीक हो गया। तो हमने USB को ओके करना है, इसको फॉर्मेट करना है ताकि हमारा मसला हल हो सके। तो उसके लिए अब हमने क्या करना है, डिस्क वन 29 GB ये जो है इसको अब हमने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, SELECT सिलेक्ट डी आई एस के डिस्क स्पेस वन, क्योंकि इस ड्राइव का नाम वन पर है तो आपने इसको वन करना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने इसको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपने CLEAN क्लीन करके एंटर करें। अगेन अब आपने क्या करना है, CONVERT कन्वर्ट स्पेस GPT एंटर करें। अब आपने क्या करना है, अगेन CLEAN क्लीन की कमांड आपने देनी है और इसको एंटर करना है। एंटर करने के बाद अब आपने क्या करना है, CREATE क्रिएट PARTITION पार्टीशन PRIMARY प्राइमरी क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी ये आपने टाइप करना है। ठीक हो गया। इसके बाद आपने इसको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद SELECT सिलेक्ट स्पेस PARTITION एंड पार्टीशन स्पेस वन सिलेक्ट पार्टीशन वन स्पेस वन एंटर कर दें। एंटर करने के बाद ACTIVE एक्टिव करें। उसके बाद अब आपने क्या करना है, FORMATE फॉर्मेट FORMATE फॉर्मेट स्पेस FS इज इक्वल टू FAT FAT 32 स्पेस QUICK क्विक करने के बाद एंटर कर दें। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसको EXIT एग्जिट करना होगा। ये प्रोसेस होगा इसका थोड़ी देर बाद, ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो है दी आर्गुमेंट स्पेसिफिक फॉर दिस कमांड आर नॉट वैलिड, कह रहे हैं कमांड आर नॉट वैलिड। मेरे ख्याल से कोई मिस्टेक हो गई है, एक मिनट कह रहे FORMATE फॉर्मेट स्पेस FS is equal to FAT FAT 32 स्पेस QUICK क्विक एंटर। ये देखिए, ये जो है ना प्रोसेस इसका स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ये देखिए 100% जो है कंप्लीट हो गया है। ये फॉर्मेट हो गई है हमारी ड्राइव। अब ये जो USB है आप इसको इजीली यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, अब आपने करना है इसको EXIT एग्जिट करके इसको आप यहाँ से एंटर कर दें। एंटर करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया लिविंग डिस्क पार्ट। ठीक हो गया। अब आप अगेन इसको चाहे एग्जिट कर दें। ठीक है, एग्जिट हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आप वापस अपनी USB पर जाएं, जो हमारी USB है पहले कहाँ पे है, ये USB ये देखें हमारी, ये 29 GB की USB, ये हमारी फॉर्मेट भी हो गई है और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इस तरह आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो, ये USB को अगर फॉर्मेट नहीं हो रही, कोई भी इशू आ रहा है, सेम प्रोसेस के थ्रू आप ये प्रॉब्लम अपनी सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखिए वॉल्यूम ई भी आ गया है यहाँ पर, ये आपके दिखाने के लिए मैंने आपको किया ताकि आपको ये समझ आ गई। ये देखिए, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई है। थैंक यू सो मच।